कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक इन्वर्टर रखा हुआ है जो कि ल्यूमिनस कंपनी का इन्वर्टर है और इसका मॉडल है LV650। तो देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है, क्या दिक्कत आ रही है। तो चलिए पहले इसे ऑन करते हैं। बैटरी से हमने इसे कनेक्ट कर रखा है, इसे हम ऑन करते हैं। देखिए इन्वर्टर हमारा ऑन नहीं हो रहा है, इसमें केवल स्विच की लाइट जल रही है, आपको दिखाई पड़ रही होगी स्विच की लाइट ऑन ऑफ हो रही है, बट इसके जो डिस्प्ले पर कोई भी लाइट, कोई भी इंडिकेटर इसका ऑन नहीं हो रहा है और इन्वर्टर हमारा आउटपुट नहीं दे रहा है। अब इसे चार्जिंग पर लगाकर देखते हैं कि ये मेन सेंस कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है और चार्जिंग की पोजीशन क्या है इसकी। तो चलिए हमने इसे मेन लाइन से कनेक्ट कर दिया है। देखिए मेन लाइन से कनेक्ट करने के बाद इसने मेन तो सेंस कर लिया है, देखिए चार्जिंग इसने सेंस कर ली है, लेकिन चार्जिंग आने के बाद इसकी चली जा रही है। ये देखिए चार्जिंग सेंस करेगा और उसके बाद में चार्जिंग इसकी बंद हो जा रही है। तो कुल मिलाकर ये इन्वर्टर हमारा सही से काम नहीं कर पा रहा। ये देखिए चार्जिंग भी बार बार आ रही है और फिर चली जा रही है। इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इसे बैटरी से हटा देते हैं। ये देखिए लाइट इसकी ऑफ हो गई, स्विच की लाइट। आपको अंदर से दिखाते हैं, ये देखिए ये इसमें किट यूज की गई है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हम इसे कैसे रिपेयर करते हैं। ये फॉल्ट अक्सर आता रहता है, कोई ऐसा नहीं कोई नया फॉल्ट हो, ये फॉल्ट अक्सर इस किट में आता है। आपको बताएंगे आप इसे कैसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम आपको बताएंगे कैसे आप बिना किसी मल्टीमीटर से, बिना कोई टेस्टिंग किए आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर इन्वर्टर हमारा डेड होता तो हमें इसके डीसी फ्यूज चेक करना चाहिए, जो कि किट में डीसी फ्यूज लगे होते हैं। ये देखिए ये डीसी फ्यूज इसके, लेकिन इस कंडीशन में हम डीसी फ्यूज चेक नहीं करेंगे क्योंकि अगर डीसी फ्यूज खराब होता तो हमारे स्विच की लाइट भी नहीं जलती। स्विच की लाइट जल रही है, इसका मतलब डीसी फ्यूज सही है। अब हमें इसमें करना क्या होगा, देखिए बहुत आसान सा फॉल्ट है। इसमें इसकी माइक्रो आईसी होती है, माइक्रो कंट्रोलर, ये खराब हो जाती है जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है। हम इस माइक्रो कंट्रोलर को चेंज करके दूसरी लगा देंगे तो ये फॉल्ट हमारा रिमूव हो जाएगा। तो इसे माइक्रो कंट्रोलर को हम निकालते हैं और चेंज करके आपको चलाकर बताते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने इसकी माइक्रो कंट्रोलर आईसी बाहर निकाल ली है, अब हम इसे दूसरी आईसी से रिप्लेस कर लेंगे। ये हम हटा देते हैं और हमारे पास एक और पुरानी किट पड़ी हुई है जो कि सेम मॉडल की किट है, तो इसमें से हम आईसी को निकालकर अपने इन्वर्टर में लगा देंगे। ये देखिए ये आईसी हम लगा देंगे और ध्यान से लगाएंगे, जैसे हमने निकाली थी वैसे ही हम इसे लगा देंगे। देखिए हमने आईसी चेंज कर दी है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी, पुरानी आईसी इसकी ये है जो इसमें पहले लगी हुई थी। अब इन्वर्टर को हम ऑन करके देखते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये देखिए अब ये इन्वर्टर हमारा स्टार्ट हो गया, यूपीएस ऑन की लाइट जल गई और इसमें विजल बोलना शुरू हो गया। अब ये ऑन ऑफ भी हो रहा है, ये देखिए ऑन ऑफ भी करना इसने शुरू कर दिया है। पहले केवल इसमें स्विच की लाइट जल रही थी, अब यूपीएस ऑन की लाइट भी जल रही है। अब इसे मेन पर लगाकर एक बार चार्जिंग भी चेक कर लेते हैं। इसने मेन सेंस कर लिया है, अब देखते हैं चार्जिंग स्टार्ट होती है या फिर नहीं होती है। तो चलिए इसकी चार्जिंग का वेट करते हैं। ये देखिए स्मार्ट चार्जिंग भी इसने दिखाना शुरू कर दिया है, पहले चार्जिंग की लाइट ऑफ हो जा रही थी। ये देखिए एम्पियर मीटर में चार्जिंग आप देख सकते हैं। अब ये इन्वर्टर हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, आपको आउटपुट भी एक बार लगा के दिखाते हैं। इसमें इसके एक बल्ब लगा दिया है, तो दोस्तों अभी इन्वर्टर हमारा रिपेयर हो चुका है। हमें इसमें किसी तरह के मल्टीमीटर की या फिर कुछ टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये फॉल्ट हमारे सामने अक्सर आता रहता है, तो हमने आपको वो फॉल्ट बताने की कोशिश की है कैसे आप आसानी से इसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।